द मार्श किंग्स डॉटर, ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में एक लड़की को दिखाया है जो एक आदमी से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने उसकी माँ को किडनैप किया था। लेकिन इस सब के पीछे एक मिस्ट्री है जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों, मूवी की स्टोरी मुझे पसंद आई और इसका डायरेक्शन भी अच्छा है। परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत पसंद आए, स्पेशली मेन कैरेक्टर का काम काफ़ी अच्छा है। मतलब उस कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो और उसके इमोशंस को फील भी कर पाते हो। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी यहाँ पर अच्छी तरीके से हुआ है। कुछ जगह पर मूवी आपको थ्रिल भी करती है और इसका फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग भी है। सेकंड हाफ भी अच्छा है, लेकिन जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो मुझे काफ़ी एवरेज लगा, क्योंकि कुछ जगह पर मूवी थोड़ी सी स्लो हो जाती है और इसका स्क्रीन प्ले भी उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर भी कहानी के साथ आप बने रहते हो और मूवी आपको बोर नहीं करती। ये लगभग 1 घंटा और 50 मिनट की मूवी है और इसकी एंडिंग भी अच्छी है। सिनेमेटोग्राफी को इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन फिर भी मूवी का अपना एक अलग टोन है जो अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैंने किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। अब हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रो ऑडियंस को ये एक एवरेज मूवी लगेगी और ओवरऑल मूवी डिसेंट है। मतलब मूवी अच्छी तो है, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं लगती। इसे सिर्फ इंग्लिश में रिलीज़ किया गया है और इसमें डायरेक्टली कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसे थिएटर में ना देखें, बाद में कभी आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 6 out of 10।